हाय गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज के एक और न्यू पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो में। और सबसे पहले मैं तुम्हारे से सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कल वीडियो नहीं डाली थी। अब कल वीडियो ना डालने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, मतलब भाई कल मेरे पास कोई ढंग का गेम प्ले ही नहीं था। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब मेरे पास कोई गेम प्ले नहीं था। सीरियसली गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मतलब ऑलमोस्ट मेरे साथ ऐसा होता है कि भाई हाँ मेरे पास गेम प्ले तो होता है डालने के लिए, और मुझे ये चीज़ पता होती है कि हाँ भाई आज ये डालना है, कल ये डालना है, परसों ये डालना है और ये चीज़ किस दिन दिखानी है। पर कल मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो चलो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आज कुछ डालते ही नहीं है, तो भाई मैंने कल कुछ भी नहीं डाला। और आज वाला ये गेम प्ले देखना भाई, कसम से कह रहा हूँ गेम एक्स प्रो के कच्चे में शक्ति तो है। अब यार जब तुम एक ही आउटफिट पबजी मोबाइल में बार बार रिपीटेड रिपीटेड पहनते रहो तो मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार क्या है, यही पहन के खेल रहे हैं। अब सिग्नेचर आउटफिट में ऐसा सीन होता है, अगर भाई तुमने किसी आउटफिट को परमानेंट बना लिया है, तुम्हें पता है मैं वाइट वाली पहनता हूँ और गेम एक्स प्रो जो है कच्चा पहनता है। तो अगर तुमने किसी आउटफिट को परमानेंट बना लिया है, अब यार नॉर्मल बंदे क्या होते हैं, वो भाई चेंज कर करके पहनते रहते हैं, तो उन्हें अलग सा ही मतलब फील होता है। तो इसलिए भाई थोड़ा सा अलग सा फील करना था मुझे, तो आज मैंने एक गेम एक्स प्रो का कच्चा पहन लिया। और सीरियसली बताऊँ ना भाई, कच्चा पहन के ना मतलब अलग ही खेलने में बहुत मजा आया है। अब पबजी जब अनबैन था तो हमने एक गैंग भी बना रखी थी भाई, सारे बंदे कच्चा पहन के खेलते थे उस टाइम पे, क्योंकि अपन सब एक क्लैन में थे और एक गैंग में खेलते थे, तो काफ़ी ज़्यादा मजा आता था। और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं भाई, उन्हें तो पता भी होगा कि हाँ गैंग थी, और भाई क्या ही मारा करते थे। मतलब जो चार बंदे कच्चा पहन के रश कर रहे, मतलब तुम देखो एक बारी सोच के देखो, सामने वाला बंदा वैसे ही डर जाएगा, भाई यार ये कौन सी स्क्वाड आई थी कच्चा वाली। तो आज मैंने इसीलिए सोचा, मैंने कहा चलो भाई आज ये पहन के खेलते हैं और काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। अभी फिलहाल यहाँ पे 6-7 किल तो मेरे यही हो गए थे। और अब हम गाड़ी उठाते हैं, सीधा जाते हैं भाई स्कूल अपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि वहाँ जितने बंदे कहीं नहीं मिलते। अब फिलहाल जैसे ही मैं और मेरा टीममेट स्कूल अपार्टमेंट की तरफ आए, तो हमें यहाँ पे एक बंदा दिखा जो कि बिल्कुल भाई सबसे ऊपर था इसी बिल्डिंग में। तो मैंने जैसे ही ESP फेंका, वो बंदा इसमें स्पॉट हो गया था और भाई वो हिले जा रहा था, मतलब एक जगह रुक नहीं रहा था। तो मैंने नेड की पिन खींची और नेड फेंका ऊपर, पर वो इस नेड में नहीं मरता। देन मैं तुरंत अपने टीममेट को कहता हूँ, मैंने कहा आज चल इस बंदे पे पुश करते हैं, ऊपर है बेचारा अकेला है और मरेगा ये। तो अब तुम ये चीज़ मानो या ना मानो, बट हाँ 100% भाई ये श्योर है, क्योंकि जब तुम्हें कोई बंदा स्पॉट कर लेता है या तुम सामने वाले बंदे को पता होता है कि हाँ भाई उसकी लोकेशन जा चुकी है, भाई वो बिना फालतू में ही पैनिक होने लगता है, उसे लगता है कि हाँ अब तो मार ही देंगे आके क्योंकि उन्हें लोकेशन पता लग गई, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर वही वाला सीन जो है इस बंदे के साथ हुआ, जैसे ही हमें इस बंदे की लोकेशन पता लगी तो इस बंदे को लगा कि हाँ ये बंदे आके मार ही देंगे, और बेचारा इतना ज़्यादा पैनिक हो गया मर ही गया। अब फिलहाल यहाँ पे इस बंदे को मारने के बाद थोड़े और बंदे थे यहाँ पे, उनसे मजे वगैरह लेने के बाद वो बंदे भी निकल जाते हैं, हम भी यहाँ से निकल जाते हैं गाड़ी उठा के। और मेरा टारगेट था भाई सीधा फ्लेयर, और इस फ्लेयर पे मैं जा रहा था भाई, मैं तुम्हें कसम से कह रहा हूँ रैंक पुशिंग में ना फ्लेयर पे मत जाना, वो तो पता नहीं भाई मैं किस तरीके से आ गया यहाँ पे फ्लेयर पे और बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंस गया था यहीं। अब जिस टाइम पर तुम रैंक पुश कर रहे हो, उस टाइम पर तुम्हें रैंक पुशिंग पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फ्लेयर और भाई आलतू फालतू की चीज़ों पर। और मेरा तो भाई किल्स के चक्कर में ऐसा ही है, मैं कहीं भी घुस जाता हूँ, और यहाँ पर इस बारी में आया था और फंस के रह गया भाई, यहाँ पर 3-4 बंदों का बैक टू बैक रश हुआ। मतलब जितने भी बंदे यहाँ आए थे ना इस वाली फ्लेयर पर, भाई गैल गैल मारा भाई, मतलब कसम से धो दिया सीधा। सबसे पहले तो पीछे वाले को नोक करा, अब बारी थी सामने वालों की। और भाई इन बंदों की भी क्या ही भीमरी बनाई, अब इन वाले बंदों को मार दिया था मैंने, बारी थी अपने टीममेट को रिवाइव देने की। पर जैसे ही मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दिया, सामने वाले बंदों ने बग्गी उठाई और भाई गैल गैल हमारे ऊपर पुश कर दिया। अब मैं तुम्हें बताऊँ, मतलब जिक्कर ही बंदे आ रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि हाँ भाई बंदे बहुत ज़्यादा कैड है, मतलब बहुत ज़्यादा भसरा सा ताड़ देंगे हमारा, पर इन बंदों पर कुछ हुआ नहीं। मैं सबसे पहले तो पीछे आया, उसके बाद मैंने एक फर्स्ट एड लगाई, और फर्स्ट एड लगाने के बाद भाई ये गेट खुला, मगा यो क्या। फिर जब गेट खुला तो मैं ऊपर को भागा, मगा भाई ये ऊपर भागो, सबसे पहले ऊपर ही बच सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे तो होने वाला है गलत लेवल वाला पुश।
पर यार इतने में मेरा टीममेट नॉक हो गया तो मुझे पीछे घुमाना पड़ा। अब फिलहाल एक बंदा बच रहा उसका, और उसे भी मार दूंगा मैं फर्स्ट एड लगा के याली। चलो भाई साहब निमटारा कर दिया इन बंदों का। फिलहाल अपने टीममेट को रिवाइव देते हैं और तुम मुझे बताना तुम्हें यहाँ पे येला सीन कैसा लगा। मतलब भाई बैक टू बैक बंदे आते रहे और हमने उन्हें मार दिया। फिलहाल फ्लेयर भी ले लेते हैं भाई, क्योंकि फ्लेयर के चक्कर में इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया यहाँ पर। गैल गैल पता नहीं कितने ही बंदे आ गए भाई बैक टू बैक। मतलब थंबनेल देख लो, बिल्कुल भी होश नहीं थी भाई। इधर तो बंदे आ रहे, इधर तो बंदे आ रहे, मतलब चारों तरफ से बंदों ने घेर लिया था। पर फिलहाल अभी यहाँ पे पेटियाँ चमका दी इनकी, और पेटियाँ चमकाने के बाद भाई सीधा उठाई ये गाड़ी अपनी दोबारा से, और हम गए इस बारी स्कूल पे, क्योंकि वहाँ पे भी एक फ्लेयर चली हुई थी। अब फ्लेयर का पीला पीला धुआं मुझे दिख चुका था दूर से ही, और भाई मैंने ले जाके सीधा स्कूल पर ठोक दिया। अब स्कूल पर ठोकने के बाद भाई एक बंदा बहुत ही ज़्यादा प्रो बन रहा था। सबसे पहले तो इस बंदे को धरती चढ़वाई भाई, मतलब MK-14 है। और अब बारी थी दूसरे बंदे की, और वो वाला बंदा भी भाई देखते ही देखते खत्म हो गया। अब यहाँ से एक गाड़ी जाती है बहुत ज़्यादा बढ़िया सा, मतलब स्किन थी उस पर खतरनाक वाली, स्किन हमारे पे भी है। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे पीला धुआं जहाँ से निकल रहा था वहाँ पे एक ESP फेंक दिया। मैंने कहा अगर कोई बंदा कैंप कर रहा होगा तो वो मुझे दिख जाएगा, बट यहाँ पे कोई बंदा था नहीं, कोई भी कैंप नहीं कर रहा था। तो हमने गाड़ी उठाई और हम भी मतलब निकल गए यहाँ से, क्योंकि स्कूल अपार्टमेंट में बंदे थे उन पर पुश नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई ये जगह जोन के बाहर थी। तो इसीलिए मैंने और मेरे टीममेट ने डिसाइड करी ये चीज़, मका भाई यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, हमें बंदे मार देंगे। मेरे टीममेट ने कहा ठीक है यहाँ से चलते हैं और कहीं और जाके पुश करेंगे। अब वैसे तो जा रहे थे हम उधर की तरफ को जहाँ पे भाई वो गाड़ी गई थी, क्योंकि हमें थोड़ी सी उम्मीद थी उस गाड़ी के मिलने की, पर वो गाड़ी हमें नहीं मिलती और उल्टा हमारी इस वाली गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो जाता है। अब इस वाली गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हुआ तो हमने ये वाली गाड़ी छोड़ दी। साइड में एक 3-सीटर खड़ी हुई थी और भाई वो टेम्पो सा मतलब चलाया तो जाता नहीं, तो वो ठुकता फिर है चार जगह, तो हमने थोड़ी देर के लिए उठाया। उसके बाद हमने उसे एक स्कोडा उस पर ले जाकर ठोक दिया। अब फिलहाल इस वाले स्कोडा उस पर हम आ तो गए थे और हमने इसे ठोक भी दिया था, मतलब अब भाई ठुक गया, इसका काम को हम कुछ नहीं आया अपने ठाने का मैं इसे। अब इस वाले स्कोडा उस पर इसे रोकने के बाद सामने आई मेरे एक गाड़ी, और यहाँ पे बारी थी स्प्रे देने की। अब यार मैं दो बंदों को स्प्रे देता हुआ इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया, और मुझे समझ नहीं आया पहले किसको मारूँ, राइट वाले को लेफ्ट वाले को। पर सामने वाले बंदे के पास थी AWM भाई, उसने खोपड़ी सी खोल दी। अब मैं पीछे आ गया था क्योंकि मैं तो भाई घुटनों के बल गिर गया था, और भाई ये बंदा फिनिश करने को तैयार था, वो तो यहाँ पे टीममेट की स्मोक ने बचा लिया। अब वैसे रैंक पुशिंग में छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी भाई, मैं ओपन में जाके स्प्रे देने लगा और सामने वाले बंदे के हाथ में AWM। भाई खतरनाक गेम प्ले होता है, यही तो चीज़ है, मतलब सबसे बड़ा गेम प्ले जो तुम्हें मिलेगा ना भाई वो रैंक पुशिंग की लॉबी में ही मिलेगा। अब फिलहाल सामने कुछ बंदे थे पर पीछे हमारी गाड़ी देख के भाई कुछ बंदों ने रश कर दिया था, तो यहाँ पे मैंने एक ESP फेंका सबसे पहले। और अब वो बंदे जैसे ही स्पॉट हुए तो भाई ये बंदे कितना ज़्यादा कन्फ्यूज कर रहे थे तुम खुद देखना। एक बंदा जो है हमारे बिल्कुल सामने था और दूसरा बंदा गाड़ी उठा के घूमे जा रहा था। अब ये चीज़ें देख के ना भाई समझ नहीं आता ये बंदे करना क्या चाह रहे, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे, क्या है इनके दिमाग में। तो मैं हल्का सा स्टेप बैक करता हूँ, मैंने कहा भाई ये बंदे ना बस सिर्फ हमारा पागल बना रहे, इधर उधर घूम के ये हमें मार ही देंगे। तो मैं जैसे ही पीछे आता हूँ मैं एक नेड फेंक देता हूँ, अब यहाँ पे मैंने इन बंदों के ऊपर नेड फेंका भाई, उस नेड में कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं इस बंदे पे पुश कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है हमने एक बंदे को नॉक कर दिया, और ये वही बंदा था जो कि भाई गाड़ी उठा के सबको पैनिक कर रहा था, मतलब इधर उधर गोल गोल घुमाए जा रहा, पता नहीं भाई इस घर के साथ या इस कंपाउंड के साथ इसका फेरे लेने का मन था गया। तो अब यहाँ पे मैंने और मेरे टीममेट ने इस बंदे को मार दिया था, बारी थी इसके टीममेट की, और ये भी यहीं पर था बेचारा। बट इसकी गन जो है रिलोडिंग में फंस गई, और इस चीज़ का सबसे बढ़िया फ़ायदा कौन उठाता है, मैं तुम्हें ऑब्वियसली सी बात है पता ही होगा। और इस बंदे को मारा मैंने, सबसे पहले गाड़ी उठाई स्कोडा उससे ही नहीं की, मैंने कहा भाई अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे अब हम मर सकते हैं। अब यार ये गाड़ी में फ्यूल ही नहीं था क्योंकि उस बंदे ने गोल गोल घुमा के सारा फ्यूल ख़त्म कर दिया था। तो किसी ना किसी तरीके से हम जोन के अंदर तो आ चुके थे, और इन बंदों के साथ क्या हुआ बस मेरे से मत पूछना। अब ये गाड़ी फोड़ने के बाद मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कही थी, मैं कहा भाई तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, और सामने कुछ बंदे दिख गए हैं यहीं पे।
जिनमें से कि एक बंदे को नोक करते ही मैंने तुरंत फिनिश कर दिया। अब वहाँ पे और भी फाइट हो रही थी तो चलो चलते हैं। अब सबसे पहले ना मैं पीछे देख लेता हूँ। मैंने कहा भाई पीछे से कोई बंदा थर्ड पार्टी ना कर दे, क्योंकि सामने वाले बंदों का तो पता ही था वो सामने है। और जैसे ही मुझे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि पीछे कोई नहीं है और सामने ही बंदे हैं, तो भाई मैं एक बंदे को M4 से नॉक कर देता हूँ और फिर यहाँ पे एक मौली गेट देता हूँ बड़े आराम से। और भाई दोनों बंदे, मतलब तुम देखना कैसे मारेंगे अभी। फिलहाल तो ये दोनों बंदे मर जाते हैं और बच रहा था सिर्फ एक लास्ट बंदा, और वो भी भाई दिख ही जाता है पत्थर के पास। तो ये रहा गाइस एक और इजी चिकन डिनर। होप से तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तुम्हें कुछ नहीं करना, इस पहले वीडियो पे लाइक कर देना और नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं बोलता हूँ तुम्हारे से किसी एक और न्यू वीडियो में किसी एक और न्यू गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।